नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी रनिंग सीरीज का 35th सेशन का 10 मिनट का समरी मैं आपको दूंगा। बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यही हमने आज सुबह पढ़ाया है। और बायोडायवर्सिटी में हमने क्या क्या कराया, आइए एक जनरल ओवरव्यू इसका अच्छे से प्राप्त करें। हमारा पावर पैक कोर्स आपके लिए रेडी है। आज के आज एनरोल करें, एनरोलमेंट लिंक हमने दी है, टीम से संपर्क करें। इससे बेहतर कोर्स आपको तैयारी का मिलेगा नहीं। हमारी समरी से आपको एक सेंस मिल ही रहा होगा कि कितना शानदार जा रहा है कोर्स, तो पढ़ना शुरू करें। आज का हमारा सिलेबस बायोडायवर्सिटी का ये रहा। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं बायोडायवर्सिटी में, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हर किसी को बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डाइवर्सिटी से शुरू किया, और अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डाइवर्सिटी में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को एक बार क्विकली रिवाइज किया, फ्रॉम बिग बैंग टू होमोसेपियंस। बायोडायवर्सिटी और बायोस्फीयर की पूरी परिभाषा बहुत अच्छे से समझी, और कितनी स्पीसीज, कितने किंगडम्स और कितनी एस्टिमेटेड स्पीसीज हो सकती हैं, और मनुष्य आज किस प्रकार से एक होलोसीन इपॉक में है, जो कि क्वार्टरनरी पीरियड में है, जो कि सेनोजोइक एरा में है, जो कि फेनेरोजोइक इयोन में है, इसे हमने फिर से समझा। आप ये गलती मत करना सोचने कि ये चीज तो सिविल सर्विसेज में आएगी नहीं, वो चीज तो आए, आपको नहीं पता है क्या आएगा क्या नहीं। और जिस तरह की वैरायटी आजकल आ रही है, तो हर चीज है सिलेबस में, आप बस ढंग से करें, यही हमारा निवेदन होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा लाइफ डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, होमोसेपियन का ये ऑर्डर समझाते हुए कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स से लोगों को रूबरू कराते हुए हम आगे बढ़े डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स पर। तो जब जैव विविधता की बात होती है, तो बेसिकली वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, फिर उसमें एंडेमिज्म आता है, और फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं, यानी वो सारे स्थान जहां पे एंडेमिक स्पीसी, स्थानिक स्पीसी जो कहीं मिलती नहीं है और वो खतरे में आ गई हैं। ऐसे दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी के बहुत सारे हॉटस्पॉट्स बने हैं, एंडेमिक स्पीसीज से डिफाइन होता है। फिर हमने आयरिश पटेटो फेमिन बहुत अच्छे से बताया कि कैसे सिर्फ एक प्रजाति का पटेटो जबरदस्ती अंग्रेजों ने आयरलैंड में जब उगवाना शुरू किया था, तो कुछ दशकों में लोगों का स्टेपल फूड बन गया, और एक साल अचानक उसमें ब्लाइट लग गया जिसकी कोई दवा नहीं थी, लाखों लोग भूख से मर गए, लाखों लोग देश छोड़ के भाग गए। तो ये बायोडायवर्सिटी कम करने का खतरा जो है, उस पर हमने डिटेल में बात की। इन सीतू कंजर्वेशन, एक्स सीतू मतलब जो जहां है उसको वहीं कंजर्व कर लो, या मजबूरी में तो फिर बॉटनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल गार्डन जिसको हम जू बोलते हैं वहां पे कंजर्व करो, आइडियली इन सीतू ही होता है। भारत की सारी प्रोटेक्टेड एरिया का फिर से पूरा रिव्यू लिया गया। आज का लेक्चर काफी लंबा चला हमारा, 2.5 घंटे हमने पढ़ाया। मेरा बस चले तो मैं 5-5 घंटे पढ़ाऊं, मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, समय की लेकिन कमी रहती है सभी के पास, मैं समझता हूं। अच्छा, एक सवाल आप सभी से पूछना था फिर से, जिन्होंने हमारा सवाल पिछली क्लास से मिस किया, क्या आप हमारे साथ एक सीसेट का कोर्स पढ़ना चाहेंगे? हम एक प्रीमियम पेड कोर्स सीसेट पे लाने का सोच रहे हैं, प्रीलिम्स पेपर 2। आपकी क्या राय रहेगी कि आप सीसेट का पढ़ना चाहेंगे, या आप सीसेट अपने आप ही हो जाता है? आपकी जो भी फ्री एंड फ्रैंक राय हमें बताइए, उससे प्रोडक्ट डिजाइन में हमको थोड़ी सी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोटेक्टेड एरिया पे बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ एक लंबा चौड़ा स्टैटिस्टिकल सेक्शन, और फिर IUCN का जो पूरा स्पीसीज का वर्गीकरण है रेड लिस्ट का, वो अच्छे से बारीकी से समझाया गया। साइट्स पे काफी बात हुई क्योंकि ये जरूरी है। भारत के वो सारी की सारी और दुनिया की उल्लू प्रजातियां जो खतरे में है, उस पर बात हुई। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, देयर इज अ लॉट टू बी कवर्ड इन दिस। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ग्लोबल एग्जाम्पल, रंग बिरंगा लेक्चर है एकदम, और भारत के सारे हॉटस्पॉट्स जो हैं उनकी बातें हुई। फिर हमारा अगला सेक्शन जो आया, डीप हिस्ट्री ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। हमारे लेक्चर्स में हम क्या करते हैं कि कुछ जो स्कॉलरली टाइप स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल बहुत अच्छा लगता है, विच मे नॉट रियली बी वेरी रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बट ओनली फॉर ऑप्शनल्स, वो भी हम कोर्स में दे देते हैं, ताकि रेगुलर स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर ऑप्शनल को नहीं ले रहे हैं, वो मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो ले रहा है वो उसको। तो ये डीप हिस्ट्री वाला जो था, ये मोटे तौर पर वही चीज थी। फिर उसके बाद इन सीतू एक्स सीतू का पूरा फर्क अच्छे से समझाया, और फिर भारत की पूरी बायोडायवर्सिटी की जो समरी है वो हमने समझाना शुरू की।
और ये जो पूरी पूरी समरी हमने इसकी समझाई, इसमें बारीकी से पूरा का पूरा कि कितने भारत ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं 18 हमने नामित किए हुए, जिनमें से 10 जो हैं वो ग्लोबल लिस्ट में भी आते हैं, समझ में आ गए, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी। भारत के पश्चिमी घाटों के ऊपर का पूरा माइक्रो लेवल कवरेज हमने अच्छे से बताया, और पश्चिमी घाटों से संबंधित जो बारीक चीजें होती हैं वो ईस्टर्न घाट से कैसे अलग हैं वो तो हम ज्योग्राफी के लेक्चर में अलग से कवर करेंगे, दैट वी शैल टेक अप इन दी कंप्लीट मॉड्यूल ऑन ज्योग्राफी। आप देखिएगा उस मॉड्यूल में भी आपको देख के मजा आएगा कि कितना विस्तार में हम उसमें भी पढ़ा रहे हैं। फिर भारत की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आपको पता ही है तीन ग्रुप्स में होती हैं, कल्चरल हैं 32, नेचुरल हैं 7, मिक्स्ड हैं 1, इन सबको कवर किया गया। और कस्तूरी रंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी, वो तो बेचारे हमारे दोस्त हैं, हर बार लौट के आ ही जाते हैं। फिर एक बहुत भीमकाय सेक्शन है हमारा स्टैटिस्टिकल रिव्यू, जिसमें हर तरह का डेटा प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर हमने बना रखा है। तो उसके अंदर सारे नेशनल पार्क की लिस्टिंग हो गई, नेशनल पार्क की कुछ बहुत स्पेसिफिक, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपने सुना होगा प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल्स दोनों मध्य प्रदेश में ही हैं। देखें आपने वो फॉसिल वाले पार्क, एक तो मांडव में है और एक घुघवा में है, तो ये काफी छोटे छोटे हैं लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, रैमसर वेटलैंड साइट, कितनी है भैया रैमसर साइट्स भारत में, और टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ एलिफेंट रिजर्व्स, ये सारी चीजें जो हैं ये हमने बहुत डिटेल में कवर की। एलिफेंट कॉरिडोर्स और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है कि क्यों एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, अफ्रीकी और भारतीय हाथी के बीच का अंतर। याद रखिएगा किसी भी तरह की कोई भी बारीकी कहीं भी पूछ लेते हैं, तो हाथियों का पूरा मेट्रियार्कल सोसाइटी होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन बन चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी लिस्ट भी करवाई। ऐसा करते करते हम फिर कानूनों की तरफ आ गए। बहुत सारे कानून हैं जो पढ़ाने ही पड़ते हैं, बोरिंग हो जाता है बहुत, एकदम से ऐसा लगता है कि क्या फॉर्मल सरकारी काम हो रहा है, लेकिन आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो इसलिए टेंशन मत लो। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूरे के पूरे कानून, इनसे संबंधित जो प्राधिकारी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये अच्छे से पढ़ा दिया। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज की तरफ मुड़ गए। अब ये तो क्या है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, तो इसको जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक में से दूसरा और दूसरे में से तीसरा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों मेगा कन्वेंशन जो हैं, एजेंडा 21 बना था 92 रियो समिट में, वहां से हमने पढ़ाना शुरू किया, और फिर एक एक करके एजेंडा 21, CBD, नगोया प्रोटोकॉल, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, एक 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 करके आता चला गया, और फिर नए 2030 और 50 के जो पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स हैं वो भी कवर किए गए। एक 28 पेज का पृथ्वी पर पूरी बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी वो स्कॉलरली स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से सेक्शन भी दिया है। आज का जो सबसे मजेदार सेक्शन था वो सिम्बायसिस का था, किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायसिस होती है, कितने प्रकार की सिम्बायसिस होती है, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, न्यूट्रलिज्म, अमेंजलिज्म, कॉम्पिटिशन, ये छह बड़ी चीजों को जो स्टडी करना रहता है वो बहुत अच्छे से स्टडी किया। किस प्रकार से बहुत ही अजीब और गरीब रिलेशनशिप होती है जिसमें व्हेल को तो असर नहीं पड़ता लेकिन बार्नेकल्स को बहुत फायदा हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझाया गया। फाइनली हम आ गए हमारे आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के सेट पर। आज हमारा प्रीलिम्स के क्वेश्चन का सेट थोड़ा ज्यादा ही लंबा था, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा रहा है, और आज का लेक्चर भी हमारा 2.5 घंटे गया, ये टॉपिक ऐसा रहा है कि जिसमें बहुत क्वेश्चंस बने हैं पिछले 10 सालों में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ईयर वाइज यहां कवर किए हैं। आपको हमारे कोर्स में बहुत बड़ा फायदा मिलता है, 800 क्वेश्चंस के आसपास हम आपको इस पूरे कोर्स में करा देते हैं लेक्चर के साथ मैप्ड। आपके अंदर की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतनी शानदार पॉलिश होती है, ये बिट बाय बिट ही होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठकर 500 क्वेश्चन कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो तो 6 महीने में ही बनेगी ना, वो 6 घंटे में थोड़ी बन सकती है। तो हमारी अप्रोच इस कोर्स में यही है। तो देरी किस बात की, अभी के अभी एनरोल करो बेटा और अपने लाइफ में सही इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके साथ हैं। कल आपके साथ लेक्चर 14 की समरी में हम मिलेंगे, फिर 15 उसके साथ ये मॉड्यूल कंप्लीट।
शनिवार को हमारा पॉलिटी का मॉड्यूल गवर्नेंस इन इंडिया यूनियन पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा, और फिर कुछ दिनों तक वो तो पहला लेक्चर पूरा पूरा 2 घंटे का हमारा यूट्यूब पर शनिवार को रिलीज होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।